हेलो फ्रेंड्स, अमूल लाइव में सभी का स्वागत है। मैं कानपुर से वंदना शादेजा, आज मैं बनाने जा रही हूँ इवनिंग स्नैक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देखिए, बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं किचन वाले जो मैंने चॉप करके रखे हुए हैं, टमाटो, ओनियन एंड कोरिएंडर। ये मैंने करी लीव्स लिया हुआ है, ग्रीन चिली। तो आज बनने जा रहा है क्रिस्पी डोसा विद अमूल बटर। सबसे पहले लेंगे मस्टर्ड ऑयल, आलू को बॉईल करके मैंने इसको मैश कर लिया है। इसको डालेंगे थोड़ा सा जीरा, ये करी लीव्स, ग्रीन चिली, अब हम डालेंगे इसमें, ये बेसिक मसाला है, धनिया, मिर्चा, हल्दी, गरम मसाला को ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को सिम कर लीजिए। अब इसमें ऐड करेंगे ये मैश्ड पोटैटो, कर लेना है बहुत अच्छे से मिक्स।
मैश भी कर सकते हो अच्छे से। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कोरिएंडर। उसका मसाला बनके तैयार है, अब हम इसको साइड में रख देंगे। अब मैंने ये ले लिया है डोसे का तवा, और ये देख सकते हैं आप, ये डोसे का बैटर है। इसको मैंने 3 कटोरी चावल और 1 कटोरी उड़द की दाल धुली हुई यूज़ की है, भिगो के रखा हुआ था मैंने इसको 1 दिन पूरा, और उसके बाद जब इसको पीसा है मैंने, फिर उसके बाद 2-3 आवर्स तक इसको छोड़ देना है ऐसे ही, तो इसमें बहुत अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। तो इसका हम बनाएंगे डोसा। इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया हुआ है, इसको बनाएंगे हम अमूल बटर से। इसको ओपन कर लेंगे। और देखेंगे कि तवा अच्छे से गर्म हो गया है तभी इसको डालना है। और इसको हम फैला देंगे। ये देख सकते हैं आप इसमें कितने अच्छे से जाली आ गई है, तो ये बहुत अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। मैंने अक्सर देखा है कि जब भी बटर यूज़ करते हैं डोसे में तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है, तो आप लोग भी यूज़ करिएगा अमूल बटर। बहुत अच्छे से इसको लगाना है। और इसको हम फैला लेंगे इस तरह से। में हम ऐड करेंगे अमूल का पनीर। बंद कर दो इसे, बंद कर दो, थोड़ा सा वॉश कर लेंगे इसको। और अच्छे से इसको मैश करना है इस तरह से।
अब हम इसमें डालेंगे ये जो मैंने आलू का बैटर बनाया, ये सॉरी ये चोखा बनाया हुआ है, इसको हम ऐड करेंगे उसे में। अब इसमें डालेंगे पनीर, थोड़ा सा अनियन कटा हुआ, बारीक चॉप टोमेटोस, कोरिएंडर लीव्स, इस तरह से हमें डालना है इसमें। और फ्लेम को हम लोग फुल रखेंगे। देख सकते हैं इसमें टेक्सचर आने लगा है, थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है इसका। तो अब हम इसको सर्व करेंगे। इस तरह से फ्लेम को हम लोग को ऑफ कर देना है। रिपीट डोसा बनाने के लिए आपको इसमें थोड़े से पानी के छींटे डाल के इसको पोंछना पड़ेगा, देन आप दूसरा डोसा बना सकते हैं। फ्रेंड्स अब डोसा बन के तैयार है, ये देखिए एकदम मार्केट के जैसा डोसा बना हुआ है। टेक्सचर देख सकते हैं आप, और बहुत ही क्रिस्प है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए इसकी आवाज़ भी आ रही होगी, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड सेकंड आपको बनाना है तो इसको आपको थोड़ा सा पानी का छींटा डाल के इसको साफ कपड़े से पोंछना होता है, उसके बाद आप अगेन डोसा बना सकते हैं तवे पे। अगर आप अभी बनाओगे ना तो आपका डोसा इसमें पूरा मतलब फैलेगा नहीं ठीक से, तो इसके लिए आपको इस वॉश करना होगा इसको अच्छे से। देन अगेन आप बनाओगे, तो इसको हम सर्व करेंगे। इसको आप सर्व कर सकते हो सांभर के साथ, लेकिन ये इवनिंग स्नैक्स के तौर पे मैंने बनाया है, तो मैं इसमें सिर्फ ग्रीन चिली सॉस के साथ ही इसको सर्व करूंगी। इस तरह से तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की रेसिपी जरूर बताइएगा, और जरूर ट्राई करिएगा विद अमूल बटर के साथ। तो डोसा बहुत ही क्रिस्पी बनेगा, बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी। तो फ्रेंड्स ये रही आज की रेसिपी मसाला डोसा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।